हेलो डियर स्टूडेंट्स, निहार शांति पाठशाला फनवाला इंग्लिश लिटरेसी प्रोग्राम के सेशन नंबर 48 में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। सेशन नंबर 46 और 47 की तरह इस सेशन में भी हम केवल रिवीजन पर ही फोकस करने वाले हैं। अब तक आपको जो हमने कॉन्सेप्ट्स पढ़ाए और लगभग सारे ही इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हमने आपको पढ़ाए हैं, उनकी हम रिविजन करेंगे और उन पर आधारित कुछ वाक्यों की प्रैक्टिस भी करेंगे। तो आज के इस नए सेशन की शुरुआत हमेशा की तरह शब्दों के अर्थ या फिर वर्ड बिल्डिंग से करते हैं। आपकी शब्द संपत्ति बढ़ाने हेतु आज के सेशन की शुरुआत वोकैबुलरी यानी शब्दों के अर्थ की रिवीजन के साथ करेंगे। आपको स्क्रीन पर कुछ इंग्लिश में शब्द दिए जाएंगे और नीचे हिंदी के शब्द रहेंगे। प्रत्येक अंग्रेजी शब्द का अर्थ नीचे दिए हुए शब्दों में छुपा है। आपको हिंदी शब्दों में से अर्थ चुन के उसके अंग्रेजी शब्द के सामने रखना है। स्क्रीन पर आपको घड़ी दिखेगी। घड़ी की सुई चलने तक का समय आपके पास है। जब समय समाप्त होगा तब हम आपको सही जवाब दे देंगे। तो शुरुआत करते हैं। आपका पहला सेट है सही जवाब है फ्रूट्स, फल, एप्पल, सेब, बनाना, केला, वाटरमेलन, तरबूज, जैकफ्रूट, कटहल, फ्रेश लाइम, मौसम्बी, शुगर केन, गन्ना। सेट नंबर टू। सही जवाब है कोकोनट, नारियल, कस्टर्ड एप्पल, सीताफल, पोमोग्रेनेट, अनार, ग्रेप्स, अंगूर, ग्वावा, अमरूद, मैंगो, आम। सेट नंबर थ्री। सही जवाब है रॉ, कच्चा, राइप, पका हुआ। सेट नंबर फोर। सही जवाब है हैप्पी, खुश, सैड, दुखी, वरी, चिंता, और जो चिंतित होता है उसे हम कहते हैं वरीड, स्केर्ड, डरा हुआ, टायर्ड, थका हुआ, एंग्री, गुस्से में, सरप्राइज्ड, आश्चर्यचकित। सेट नंबर फाइव। सही जवाब है सिक, बीमार, मेडिसिंस, दवाइयाँ। मैच द कॉलम्स। अभी आपकी स्क्रीन पर लेफ्ट हैंड साइड में कुछ इंग्लिश सेंटेंसेस और राइट हैंड साइड में कुछ हिंदी सेंटेंसेस दिखेंगे। ये एक्चुअली फुल सेंटेंसेस नहीं है, सेंटेंसेस के पार्ट्स है, और अगर गौर से देखेंगे तो इन सभी वाक्यों में एक्शन वर्ड आया है अलग अलग टेंस अनुसार। आपको क्या करना है, करेक्ट टेंस के अनुसार अंग्रेजी वाक्य को उसके राइट हैंड साइड के हिंदी अर्थ के साथ जोड़ना है। जैसे ही आपके स्क्रीन पर इंग्लिश और हिंदी सेंटेंसेस दिख जाएंगे एक घड़ी शुरू हो जाएगी। घड़ी का समय समाप्त होने तक आप लेफ्ट हैंड साइड के अंग्रेजी वाक्य की जोड़ी राइट हैंड साइड के हिंदी वाक्य के साथ बना के तैयार रखिए। जैसे ही समय समाप्त हो जाएगा हम आपको सही आंसर स्क्रीन पे बता देंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सेट वन। सही जवाब है सेट टू। सही जवाब है
सेट थ्री। सही जवाब है सेट फोर। सही जवाब है सेट फाइव। सही जवाब है सेट सिक्स। सही जवाब है सेट सेवन। सही जवाब है सेट एट। सही जवाब है सेट नाइन। सही जवाब है सेट टेन। सही जवाब है सेट इलेवन। सही जवाब है सेट ट्वेल्व। सही जवाब है सेट थर्टीन। सही जवाब है
14 सही जवाब है 15 सही जवाब है 16 सही जवाब है 17 सही जवाब है 18 सही जवाब है 19 सही जवाब है 20 सही जवाब है 19 अब जो हम एक्सरसाइज करने वाले हैं वो थोड़ी कठिन है। कठिन इसके लिए क्योंकि हम बड़े हिंदी वाक्य को 9 टेंस फॉर्म्स में सिंपल कंटिन्यूअस और परफेक्ट में अंग्रेजी में बनाने वाले हैं। आज के सेशन में प्रैक्टिस करेंगे और अगले 2 सेशन में भी। और अगर आपको ये एक्सरसाइज में जो कर रहे हैं वो खुद से करने आ गया, इसका मतलब आप अंग्रेजी वाक्य बनाने के लिए सक्षम हो गए हो। तो चलिए शुरुआत करते हैं। स्टेप बाय स्टेप वाक्य कैसे बनाना है ये मैं आपको बताऊंगा। पहला वाक्य, सभी नागरिकों को समय पर उनका कर चुकाने के लिए हमेशा याद रखना ही पड़ेगा। इस वाक्य में हम नागरिकों के बारे में बात कर रहे हैं और उन पर जबरदस्ती डाल रहे हैं, उनके पास कोई विकल्प नहीं है, उनको याद रखना ही पड़ेगा। जब हम अंग्रेजी वाक्य में जबरदस्ती की भाषा करते हैं तो वहाँ पे जो शब्द इस्तेमाल होता है वो होता है मॉडल्स और मस्ट। याद रखना ही पड़ेगा मस्ट है। याद रखना यानी रिमेंबर, हमेशा याद रखना यानी ऑलवेज रिमेंबर। तो आखिरी के कुछ शब्दों का अंग्रेजी अर्थ होता है मस्ट ऑलवेज रिमेंबर। किसे हमेशा याद रखना पड़ेगा? सभी नागरिकों को। तो मेरे
अंग्रेजी वाक्य की शुरुआत सभी नागरिकों को हमेशा याद रखना ही पड़ेगा, जिसका इंग्लिश अर्थ होता है ऑल सिटीजन्स मस्ट ऑलवेज रिमेंबर। और बचा हुआ हिंदी वाक्य अभी हम अंग्रेजी में लिखेंगे, टू पे देयर टैक्सेस ऑन टाइम, ऑल सिटीजन्स मस्ट ऑलवेज रिमेंबर टू पे देयर टैक्सेस ऑन टाइम। सेंटेंस नंबर टू, शिक्षक काले पुस्तक में लाल पुस्तक से सभी वाक्यों को नकल करने के लिए हमें कह रहे हैं। वाक्य का आखिरी शब्द है, उस है के पहले कुछ शब्दों में जो कि एक्शन वर्ड है, रहा आने के चलते ये वाक्य प्रेजेंट कंटिन्यूअस। कौन कह रहे हैं? शिक्षक। तो मेरे अंग्रेजी वाक्यों की शुरुआत शिक्षक कह रहे हैं, जिसका इंग्लिश होगा टीचर इज टेलिंग। बचे हुए हिंदी वाक्य को अंग्रेजी में लिखेंगे, टीचर इज टेलिंग अस टू कॉपी ऑल द सेंटेंसेस फ्रॉम द रेड बुक इनटू द ब्लैक बुक। नेक्स्ट सेंटेंस, मेरे सबसे अच्छी दोस्त की बहन ने एक कंप्यूटर का उपयोग किया है। वाक्य का आखिरी शब्द है, इस है के पहले कुछ शब्दों में जो एक्शन वर्ड है वो है उपयोग किया। अभी उपयोग किया खुद ही भूतकाल में होने के चलते ये वाक्य प्रेजेंट परफेक्ट हो गया। किसने उपयोग किया है? मेरे सबसे अच्छे दोस्त की बहन ने। मेरे अंग्रेजी वाक्य की शुरुआत होगी, मेरे सबसे अच्छे दोस्त की बहन ने उपयोग किया है, जिसका इंग्लिश होगा माय बेस्ट फ्रेंड्स सिस्टर हैज़ यूज्ड। बचा हुआ हिंदी वाक्य बहुत ही आसान है, अ कंप्यूटर। अंग्रेजी वाक्य बना माय बेस्ट फ्रेंड सिस्टर हैज़ यूज्ड अ कंप्यूटर। अगला हिंदी वाक्य, उसके माता पिता ने नवीनतम मोटरसाइकिल खरीदने के लिए उसे पर्याप्त पैसे नहीं दिए। वाक्य का आखिरी शब्द एक्शन वर्ड होने के चलते ये वाक्य सिंपल टेंस, और वाक्य का आखिरी शब्द भूतकाल में होने के चलते ये सिंपल पास्ट टेंस। लेकिन ये नकारात्मक वाक्य है इसलिए मेरे अंग्रेजी में नॉट आएगा, नहीं दिए। किसने नहीं दिए? उसके माता पिता ने। मेरे अंग्रेजी वाक्य की शुरुआत होगी, उसके माता पिता ने नहीं दिए, हिज पेरेंट्स डिड नॉट गिव। बचे हुए हिंदी वाक्य का अंग्रेजी, हिज पेरेंट्स डिड नॉट गिव हिम इनफ मनी टू बाय द लेटेस्ट मोटरसाइकिल। अगला वाक्य, गांवों में से अनेक युवक अधिक पैसा कमाने के लिए शहरों को जा रहे होंगे। वाक्य का आखिरी शब्द होंगे यानी फ्यूचर टेंस, इस होंगे के पहले जो एक्शन वर्ड आया है उस एक्शन वर्ड में रहा शब्द होने के चलते ये वाक्य फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। कौन जा रहे होंगे? गांवों में से अनेक युवक। मेरे अंग्रेजी वाक्य की शुरुआत, गांवों में से अनेक युवक जा रहे होंगे, मैनी यंग पीपल फ्रॉम विलेजेस विल बी गोइंग। बचे हुए हिंदी वाक्य का अंग्रेजी अर्थ, टू सिटीज टू अर्न मोर मनी, मैनी यंग पीपल फ्रॉम विलेजेस विल बी गोइंग टू सिटीज
टू अर्न मोर मनी। अगला हिंदी वाक्य, हमें धूप में सुखाने के लिए घर के बाहर हमारे गीले कपड़े लटकाने चाहिए। इस वाक्य में हम सुझाव दे रहे, सलाह दे रहे कि आपको घर के बाहर कपड़े सुखाने चाहिए। सुझाव देने के लिए जिस शब्द का उपयोग होता है उसे हम मॉडल्स कहते हैं और वो शब्द है शुड। वाक्य के आखिरी शब्द देखेंगे, लटकाने चाहिए, शुड हैंग। किसे लटकाने चाहिए? हमें। मेरे अंग्रेजी वाक्य की शुरुआत इस प्रकार, हमें लटकाने चाहिए, वी शुड हैंग। बचे हुए हिंदी शब्दों का अंग्रेजी अर्थ, वी शुड हैंग आर वेट क्लोथ्स आउटसाइड द हाउस टू ड्राई इन द हीट। नेक्स्ट हिंदी वाक्य, उसके देश के पास कोई भी प्राकृतिक साधन नहीं है। वाक्य का आखिरी शब्द है और इस है के पहले कोई भी एक्शन वर्ड न होने के चलते ये सिंपल टेंस है शब्द होने के कारण ये वाक्य सिंपल प्रेजेंट टेंस। किसके पास नहीं है? उसके देश के पास। मेरे अंग्रेजी वाक्य की शुरुआत उसके देश के पास नहीं है, His country does not have। बचे हुए हिंदी शब्दों का अर्थ, Any natural resources। मेरा अंग्रेजी वाक्य, His country does not have any natural resources। अगला वाक्य, छोटे बच्चे रात भर अक्सर रोते हैं। वाक्य का आखिरी शब्द है इसलिए वाक्य प्रेजेंट टेंस। इस है शब्द के पहले जो एक्शन वर्ड आया है उसमें रहा ये शब्द नहीं है और उसके पहले आया हुआ एक्शन वर्ड भूतकाल में नहीं है, इसके लिए ये वाक्य सिंपल प्रेजेंट टेंस। सवाल पूछना है, कौन अक्सर रोते हैं? छोटे बच्चे। मेरे अंग्रेजी वाक्य की शुरुआत, छोटे बच्चे अक्सर रोते हैं, स्मॉल चिल्ड्रन ऑफन क्राई, अक्सर का मतलब ऑफन होता है। बचे हुए हिंदी शब्दों का अर्थ, थ्रू आउट द नाइट। अगला वाक्य, वह अपने दोस्तों के साथ उसका सारा समय बिता रही थी। वाक्य का आखिरी शब्द थी इसलिए वाक्य पास्ट है, थी के पहले जो एक्शन वर्ड आए उसमें रहा ये शब्द होने के चलते पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। कौन बिता रही थी? वह। मेरे अंग्रेजी वाक्य की शुरुआत, वह बिता रही थी, शी वॉज स्पेंडिंग। बचे हुए हिंदी शब्दों का अर्थ, ऑल हर टाइम विथ हर फ्रेंड्स। अगला हिंदी वाक्य, सर्कस में हाथी 10 मिनट से ज़्यादा के लिए दो पैरों पर खड़े रह सकते हैं। इस वाक्य में हम हाथी क्या कर सकते हैं, उनकी क्षमता के बारे में बोल रहे हैं। क्षमता दर्शाने के लिए अंग्रेजी में जो शब्द का उपयोग किया जाता है वो है कैन। वाक्य का आखिरी शब्द है और उसके पहले खड़े रह सकते हैं, रह सकना, सकना इज कैन, खड़े रहना,
इज स्टैंड, कौन खड़े रह सकते हैं, सर्कस में हाथी, मेरे अंग्रेजी वाक्य की शुरुआत, सर्कस में हाथी खड़े रह सकते हैं, एलिफेंट्स इन द सर्कस कैन स्टैंड। बचे हुए हिंदी शब्दों का अर्थ, ऑन टू फीट फॉर मोर देन 10 मिनट्स, एलिफेंट्स इन द सर्कस कैन स्टैंड ऑन टू फीट फॉर मोर देन 10 मिनट्स। अगला हिंदी वाक्य, मेरे पिताजी ने 6 स्कूल बैग्स में से 1 चुनने के लिए मुझे कहा था। वाक्य का आखिरी शब्द था, इसलिए पास्ट टेंस था इस शब्द के पहले। जो एक्शन वर्ड आया वो भूतकाल में होने के कारण ये वाक्य पास्ट परफेक्ट। मेरे अंग्रेजी वाक्य की शुरुआत, मेरे पिताजी ने कहा था, माई फादर हैड टोल्ड। बचे हुए हिंदी शब्दों का अर्थ, माई फादर हैड टोल्ड मी टू चूज 1 out of the 6 school bags। अगला हिंदी वाक्य, मेरी भतीजी का पति भारतीय सेना में एक वरिष्ठ अधिकारी था। वाक्य का आखिरी शब्द था, उसके पहले कोई भी एक्शन वर्ड नहीं, इसलिए वाक्य सिंपल पास्ट। कौन था मेरी भतीजी का पति? मेरे अंग्रेजी वाक्य की शुरुआत, मेरी भतीजी का पति था, माय नीसेस हस्बैंड वाज। बचे हुए हिंदी शब्दों का अर्थ, अ सीनियर ऑफिसर इन द इंडियन आर्मी। माय नीसेस हस्बैंड वाज अ सीनियर ऑफिसर इन द इंडियन आर्मी। आखिरी वाक्य लेते हैं, हमें सब्जियां और फल काटने के लिए एक तेज चाकू का हमेशा उपयोग करना ही चाहिए। यहाँ पे हम जबरदस्ती की भाषा कर रहे हैं कि अगर आपको चाकू इस्तेमाल करना है तो आपको तेज चाकू ही इस्तेमाल करना पड़ेगा। जब हम ज़बरदस्ती की भाषा करते हैं तो अंग्रेजी में जो शब्द का उपयोग होता है वो है मस्ट। तेज चाकू का उपयोग करना ही होगा। किसे करना ही होगा? हमें। हमारे इंग्लिश वाक्य की शुरुआत, हमें हमेशा करना ही होगा, We must always use। बचे हुए हिंदी शब्दों का अर्थ, We must always use a sharp knife to cut vegetables and fruits। हमें सब्जियां और फल काटने के लिए एक तेज़ चाकू का हमेशा उपयोग करना ही चाहिए। तो इसी के साथ आज का सेशन यही समाप्त करते हैं। उम्मीद करते हैं कि आज के सेशन में जो हमने प्रैक्टिस की उसका आपको फायदा हुआ होगा। आपकी अब अंग्रेजी में थोड़ी पकड़ और टाइट हो गई होगी और सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण, आपको मज़ा आ रहा होगा। तो अगले सेशन तक आप सभी लोग प्रैक्टिस कीजिए, अपना ख्याल रखिए। हैव फन डियर स्टूडेंट्स, बाय बाय।